फैमिली कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सही सलामत होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेपोजिशन का क्लास नंबर सिक्स। क्लास नंबर सिक्स, इससे पहले हम पांच क्लासेस अटेंड कर चुके हैं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं प्रेपोजिशन के रिलेटेड ही। सो आज का हमारा सिक्स क्लास है। ये वाला क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसमें हम ऐसे रूल्स करेंगे कि जिनमें हमें प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना, बट हम यूज कर देते हैं बाय मिस्टेक, या फिर एग्जाम में हमें पता नहीं चलता है कि हमें प्रेपोजिशन देना है या फिर नहीं देना है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विद फाइव इंपॉर्टेंट रूल्स, जिस जगह पे आपको प्रेपोजिशन को नो बोल देना है, डायरेक्टली आपको नो बोल देना है, राइट? एंड रूल नंबर वन की अगर बात करें तो रूल नंबर वन क्या कहता है, नो प्रेपोजिशन, से नो टू प्रेपोजिशन। किस चीज को नो प्रेपोजिशन, किसके साथ? जब आप बात करो आपका ऑब्जेक्ट किसके साथ आ जाए, नो प्रेपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले आपको नहीं देना क्या, प्रेपोजिशन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगाएगा, बिकॉज हमें लगता है भी समझ में नहीं आया, बट एक रूल, एक एग्जांपल देखो, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करने वाले हम। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, आई विल मीट, आई विल मीट विद यू, यहां मैं लिख दिया आई विल मीट विद यू, तो कई बार लगता है कि हमें यहाँ पे सेंटेंस सही है, बट ये वाला सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? अब रीजन देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजिटिव वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले, अब हमें लाइन में सेंटेंस, अब सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्रेपोजिशन कौन सा, राइट? तो मैं बात करूं आई की, आई क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट, राइट? मीट हमारा वर्ब हो गया, एंड दिस वन हेल्पिंग वर्ब विद प्रेपोजिशन, राइट? एंड यू ऑब्जेक्ट। अब हमें ये समझना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन तो समझ में आ गया, बट बात करी मैंने यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब की। What are transitive verbs? Transitive verbs कौन सी होती है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। Transitive verb, transitive verb क्या कहती है जी, makes no sense, कोई sense नहीं बनती है transitive verb की without object, makes no sense without object। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती देती है, राइट? ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना ही पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अब अगर बात करें ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पर लिख दिया आई मीट, मीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जब उसका ऑब्जेक्ट, अब इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू, यू ऑब्जेक्ट है। जब ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट आएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले यानी इन दोनों के बीच में आपको प्रेपोजिशन नहीं देना, राइट? अब ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग समझ में आया, तो चलो देखते हैं इस एग्जांपल को हम कैसे सेट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है। अगर मैं बोलूं आई प्ले अ मैच, आई सिंग, मैं गाता हूं क्या, अ सॉन्ग, जब क्या का आंसर मिले तो आपकी वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी कि क्या गाता हूं, राइट? तो आई सिंग अ सॉन्ग, आई सब्जेक्ट, सिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ए सॉन्ग क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया सिंग वर्ब का, राइट? तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस सेंटेंस को, अगर मैं बोलूं ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आई विल मीट यू। अब देखो आप, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, बीच में आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं देना, इज इट क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर का, आपको प्रेपोजिशन नहीं यूज करना इस केस में, राइट? तो चलो नेक्स्ट लिखते हैं,
एग्जांपल दूं ट्रांसटिव इन ट्रांसटिव की, आपको ट्रांसटिव वर्ब और इन ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव का एग्जांपल देखो, आई राइट योर नेम, आई राइट योर नेम, आई सब्जेक्ट राइट वर्ब, योर नेम ऑब्जेक्ट आ गया आपका नेम, ठीक है ओके क्लियर। मैं लिखता हूं क्या आपका नाम, तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये कौन सी वर्ब होगी ट्रांसटिव वर्ब क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग इन ट्रांसटिव मोड में देखते हैं कि जो इन ट्रांसटिव वर्ब होती है जिनके पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और कैसे कई वर्ब ट्रांसटिव होती हैं, कुछ इन ट्रांसटिव होती है, कुछ दोनों का रोल प्ले करती हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दूं कि इन ट्रांसटिव कैसे बनाएंगे, मैं उसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी। अगर मैं इन ट्रांसटिव की बात करूं तो इन ट्रांसटिव की कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर मैं बोलूं डोंट राइट, मैंने लिख दिया डोंट राइट, मत लिखो, डोंट राइट मत लिखो, अब ये भी तो वर्ब है बट इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, ये डिफरेंस है। बाकी हम वर्ब के टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में करेंगे, फिर हम डिटेल में करेंगे ट्रांसटिव इंट्रांसटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ट्रांसटिव वर्ब के साथ आपको कभी भी प्रेपोजिशन नहीं देना। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूं कि अगर फॉर फ्रॉम एवरी दैट, फॉर फ्रॉम दैट इन ऑन far from that, sorry far from preposition लिखनी हमने यहाँ पे in on, ठीक है। अगर ये वाली preposition sentence में आ रही है आपके, definitely अगर ये preposition आपके sentence में आ रही है तो आपको क्या करना है, इसके पास, इसके बाद ये क्या होती है expression of place time, अगर बात करें एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस टाइम, अब अच्छे से चेक करो अगर एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस टाइम वर्ड्स आ जाए, एक्सप्रेशन ऑफ वो वाले वर्ड्स जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं किस चीज का, प्लेस या फिर टाइम जो शो करते हैं, राइट प्लेस टाइम। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको, अगर मैं यहां पे लिख दूं आई केम हियर ऑन लास्ट वीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट अब मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि जब अगर आप ये प्रेपोजिशन आप नहीं यूज कर सकते हो किसके साथ, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस या फिर टाइम, सो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली प्रेपोजिशंस नो यूज, नो यूज ऑफ दीज, इनका आपको यूज नहीं करना किसके साथ, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस टाइम के साथ बिल्कुल यूज नहीं करा, कैसे, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे नो ऑन नहीं आ सकता। तो इसके लिए सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई केम हियर लास्ट वीक, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, टाइम शो हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, सैटरडे मंडे, कुछ भी आ जाए प्लेस या फिर टाइम की बात करोगे तो आपको इनके साथ कभी भी नहीं देना, क्या नहीं देनी, ये वाली प्रेपोजिशन आपको डेफिनेटली नहीं देनी। चलो एक और सेंटेंस, प्लीज वेट, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, यूजली हम ये चीज बोलते हैं, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर टू, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, हम सबको बोलते हैं राइट, बट यहां पे हम गलत कर रहे हैं, यहां पे अ मिनट की बात आएगी तो हमें क्या करना है, फॉर का यूज नहीं करना, क्या लिखेंगे, प्लीज वेट अ मिनट, ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सही है, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको फॉर नहीं यूज करना, सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छे से इनको रूल को रिवाइज करो, इनके साथ आपको प्लेस या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रेपोजिशंस नहीं यूज करनी, राइट। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर थ्री की। रूल नंबर थ्री हमारा क्या कहता है जी, रूल नंबर थ्री हमें कहता है
कि अगर बात करें कुछ वर्ड्स की, कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, आप उनको अच्छे से देखो, जिनको हम एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। नंबर थर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड्स, राइट। कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स के मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, लाइक सच, दैट, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल। अगर मैं यहाँ पे ये वाले वर्ड्स लिख दिए मैंने, ठीक है, तो इनके बाद अगर आप इन वर्ड्स की बात करोगे तो इनके बाद आपको कभी भी, इनके बाद अगर आप बात करोगे, कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, इनके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपको दे देते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं क्वालिटी, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आ जाए। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, पहले हमने प्लेस और टाइम के लिए अलग करे, अभी यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इवनिंग लिख दिया, डे लिख दिया, नाइट, ऐसे कोई भी वर्ड्स आते हैं हमारे, ईयर, ठीक है, वीक। अगर इसकी बात करें हम, मंथ की बात करें, इन वर्ड्स की बात करें, तो आपको प्रेपोजिशन नहीं यूज करना। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, ही केम हेयर ऑन दैट मॉर्निंग, He came here on that morning. अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट करा, सेम ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। अब मैंने यहाँ पे क्वालिफाइंग वर्ड ऐड कर दिया, क्वालिफाइंग वर्ड कौन सा, दैट। अगर कुछ ऐसे क्वालिफाइंग वर्ड्स आ जाए तो इनके साथ आपको, और ये टाइम भी नोट कर रहे हैं आपका, तो आपको बिल्कुल भी इसके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज करना। तो यहाँ पे आपको नो का, ऑन का यूज नहीं करना। तो क्या आएगा सही सेंटेंस, He came here that morning. उस मॉर्निंग को वो यहां पे आया। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करो, नंबर वन एंड नंबर टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहती है, she comes here हर एक संडे वो यहां पे आती है। She comes here on every Sunday. तो definitely sentence यहाँ पे wrong. क्यों? हमें क्या मिल गया यहाँ पे? हमें मिला qualifying word. Qualifying word कौन सा है? ये this one. तो इसके पहले हमें on का use बिल्कुल नहीं करना, तो on यहाँ से कट जाएगा. Clear? Example याद रखो, rule याद रखोगे तो दिक्कत रहेगी रहेगी आपको। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इसके जैसी, she will come here अगेन ऑन नेक्स्ट वीक, राइट, या फिर इन नेक्स्ट वीक, शी विल कम हियर अगेन इन नेक्स्ट वीक। तो आपको क्वालिफाइंग वर्ड मिला यहां पे, उसके पहले आपको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना। इज इट क्लियर? थर्ड नंबर रूल क्लियर? तो चलो चलते हैं हमारे फोर नंबर रूल की ओर। फोर नंबर रूल क्या कहता है हमारा, कि अगर मैं यहां पे लिख दूं नो प्रेपोजिशन, किसके साथ आपको प्रेपोजिशन नहीं यूज करना, अगर आपके सेंटेंस में यस्टरडे, टुडे या फिर टमोरो, यस्टरडे, टुडे, टमोरो, ये वाले वर्ड्स आपको दिखते हैं, तो इनके पहले आपको कभी भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करना, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, मैंने यहां पे लिख दिया, प्लीज कम ऑन टमोरो,
आवा, अगर मैं बोलू प्लीज कम ऑन टुमारो तो डेफिनेटली गलत हो गया सेंटेंस। क्यों? इन वर्ड्स के साथ आपको प्रेपोजिशन यूज ही नहीं करना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? प्लीज कम टुमारो, राइट। अब देखो दे केम, वो आए, दे केम, अगर मैं यहां पे लिख दूं एट यस्टरडे, या फिर यहां पे मैं ऑन लिख दूं, कुछ भी लिख दूं दोनों में से, एट लिख दूं या फिर ऑन, कोई भी प्रेपोजिशन इनके पहले आ जाएगा, तो आपको यूज नहीं करना, हटा दो यहां से। क्या बन जाएगा? दे केम यस्टरडे, वो कल आए, सिंपल। कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं यूज करना यस्टरडे, टमोरो एंड टूडे के साथ, राइट। चलो नेक्स्ट, फाइव नंबर रूल की अगर बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की अगर बात करेंगे, अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आती हैं, इफ अ सेंटेंस हैज टू वर्ब्स, अगर सेंटेंस में टोटल टू वर्ब्स आती हैं और दोनों वर्ब्स के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, जो भी उसके साथ रिक्वायर्ड प्रेपोजिशन है। इफ अ सेंटेंस हैज टू वर्ब्स देन यूज डिफरेंट प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स, राइट, अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स, जितनी वर्ब्स है, दो वर्ब्स है, दो के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा, राइट। अगर मैं बात करूं यहां पे इंपॉर्टेंट लिख दूं मैं, अगर मैं यहां पे लिख दूं नो प्रेपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट फंडा एक समझ लो बस, नो प्रेपोजिशन शुड बी लेफ्ट, ये नहीं है कि एक के साथ प्रेपोजिशन लगा दो और दूसरे को बोलो नहीं चल जाएगी दोनों, तो दोनों नहीं चलेंगी, दो वर्ब्स हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों वर्ब्स के साथ आपको प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल की, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ही हैज बीन लुकिंग फॉर, ही हैज बीन लुकिंग फॉर, एंड अब लुक के साथ जब फॉर प्रेपोजिशन लगती है इसका मतलब है सर्च करना किसी चीज को, राइट। ही हैज बीन लुकिंग फॉर एंड इंक्वायरिंग के साथ मैंने अबाउट लगा दिया, क्योंकि किसी के बारे में, इंक्वायरिंग आफ्टर यू, अगर मैं बोलू कि वो आपको सर्च कर रहा था और आपके बारे में पूछ रहा था, आपके बारे में पूछा, तो देखो मैंने लुक के साथ भी यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन लगाया, इंक्वायर के साथ मैंने यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन लगाया, तो सेंटेंस हो गया ओके, राइट। कई बार हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस में एरर मिस्टेक फाइंड आउट करना है, हम सोचते हैं कि एक प्रेपोजिशन सफिशियंट है दूसरे की जरूरत नहीं। अब एरर कैसे आता है देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ही हैज बीन लुकिंग फॉर एंड इंक्वायरिंग, मतलब एक प्रेपोजिशन अगर यूज कर लोगे तो जमा ही गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका, पूरे का पूरा रॉन्ग है। इंक्वायर के साथ भी हमें प्रेपोजिशन देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो यहां पे प्रेपोजिशन नहीं दोगे, ही हैज बीन लुकिंग फॉर एंड इंक्वायरिंग, ही हैज बीन लुकिंग एंड इंक्वायरिंग अबाउट यू, वो भी गलत हो जाएगा। सो आपको दोनों प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वाला रूल अच्छे समझ में आ गया है, बट प्रेपोजिशन सेम नहीं लगती है, उस वर्ब की सूटेबल प्रेपोजिशन देनी है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आप पुट कर दोगे वर्ब, जो एक के साथ दे दिया वही दूसरे का, नो, दूसरे के साथ जरूरी नहीं कि वही लगेगा जो वर्ड है उसके साथ। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट एंड वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब बताओ जी,
मैंने यहाँ पे दो वर्ब दी, कौन सी? थिंक और सेकंड वेटिंग। वेटिंग के साथ अपन ने क्या लगा दिया? फॉर। थिंक के साथ क्या लगा दिया? अबाउट। सेंटेंस एकदम से करेक्ट। अगर इसमें से एक प्रपोजिशन भी नहीं दी तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, राइट? तो गाइस इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही। फर्दर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, जो सबसे मतलब धांसू सेशन होने वाला है प्रेपोजिशन का। यू विल बी अमेज्ड कि ऐसे भी प्रेपोजिशन को हम याद कर सकते हैं, राइट? इसका जो लास्ट वीडियो होएगा, जो आपको नेक्स्ट मिलेगा, वो एकदम से हटके होएगा, एकदम से डिफरेंट होएगा। उसके साथ ही आपके बहुत सारे प्रेपोजिशन को लेके डाउट्स जो भी हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही। फर्दर इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लगता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा, और लाइक बटन प्रेस कर दो, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तो जो भी कॉन्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, बट बेल बटन भी दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन, बेल बटन और लाइक बटन, मतलब दबाते रहो, ठीक है? जितना भी हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।